वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर Vivo V21e और Y73 का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Oppo Reno 6 Pro और OnePlus 9R, यहां पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर एक चीज के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा फर्क है। दोनों स्मार्टफोन दो अलग अलग यूजर के लिए हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, सारी जानकारी विद माय ओपिनियन आइए जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मेरे पास में दोस्तों Reno 6 Pro अप्रॉक्स 5 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूं, जहां पर मैंने महसूस किया है कि इसे जो प्राइस सेगमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर OnePlus 9R के साथ में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। चाहे आप बात करो प्राइस की, चाहे आप बात करो फीचर्स की, तो ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही एक मेजर कन्फ्यूजन होता है कि हमें Reno 6 Pro की तरफ जाना चाहिए या फिर OnePlus 9R की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सारे फीचर्स एक तरफ और दोस्तों जो ब्रांड वैल्यू है ना Oppo की या फिर OnePlus की, तो कई लोग दोस्तों OnePlus की जो ब्रांड वैल्यू है ना उसे काफी ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ऐसे में आज के वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन को, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए यहां पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरु जी में। दोस्तों सभी फोन की ट्रूली टेस्टिंग होने के बाद में आप तक मैं एकदम ट्रूली कंक्लूजन पहुंचाता हूं। तो अगर आपको ट्रूली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बात करते हैं इसी Reno 6 Pro और OnePlus 9R के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, इन हैंड फील की। तो Reno 6 Pro यहां पर दोस्तों आपको पीछे है ना ग्लास मिलता है, और ग्लास के साथ में आपको दोस्तों टेक्सचर मिलता है डायमंड का, जो कि दोस्तों अगर आप मैक्रो शॉट से देखोगे ना बहुत ही नजदीक से, तो आपको चमचमाते हुए डायमंड नजर आते हैं। कलर चेंजिंग बैकग्राउंड है दोस्तों यहां पर, यानी आपको जो ग्लास है ना ये पीछे कलर चेंज करता है, पिंकिश, ब्लू, येलो, है ना, ऐसे दोस्तों काफी मजेदार लगता है। लाइट वेट है दोस्तों 177 ग्राम का, और हाँ ग्लास है तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी। ओवरऑल दोस्तों डिजाइन काफी अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें हैं OnePlus 9R की, ये दोस्तों स्लाइटली हल्का सवारी है, 191 ग्राम का आपको मिलता है, यानी कि कंपेरेटिवली थोड़ा भारी हो गया। पीछे आपको ग्लास मिलता है दोस्तों, लेकिन हाँ एक मैट फिनिशिंग है, यहां पर कोई भी शाइन या फिर कोई भी कलर चेंजिंग जैसी टेक्सचर आपको नहीं मिलता है, एकदम सिंपल ग्लास आपको यहां पे देखने को मिलता है। पीछे दोस्तों आपको OnePlus की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूंगी, अगर आपने बॉक्स के पीछे देखा हो OnePlus के, तो वहां पीछे लिखा आएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय Oppo, तो ऐसे में दोस्तों दोनों के अंदर है ना वैसे कोई फर्क यहां पे नहीं रह जाता है। मेरी बात करें तो मुझे पर्सनली बिल्ड क्वालिटी के अंदर Reno 6 Pro ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुझे है ना ऐसे कलर चेंजिंग स्मार्टफोन, ये जो डायमंड डिजाइन है दोस्तों काफी अच्छी लगती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो साइज दोनों की सेम है, Reno की बात करें 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90Hz के साथ में। दोस्तों यहां पर डिस्प्ले काफी कर्व मिलती है, जो कि काफी मजेदार है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग के अंदर, लेकिन यहां पर दोस्तों एक ही कमी मुझे लगी कि यहां पर आपको 90Hz मिलती है। ये कमी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कमी है, क्योंकि OnePlus 9R में आपको मिलती है, साइज सेम है 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड, लेकिन रिफ्रेश रेट दोस्तों 120Hz की मिलती है, वही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, सब कुछ सेम है, लेकिन दोस्तों 90Hz 120Hz। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सीधी सी क्लियर कट बात है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो आपको डिस्प्ले की जो दोस्तों क्वालिटी है ना वो आपको OnePlus के अंदर बेटर देखने को मिलेगी। नॉर्मल यूजर्स के अंदर दोनों ही एक जैसे हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, स्पेसिफिकेशंस की, तो तीनों का दोस्तों एक ही जवाब है कि यहां पर हमें प्रोसेसर कौन सा मिलता है। Reno 6 Pro यहां पर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200, जो कि एक 6nm फैब्रिकेशन पे आने वाला प्रोसेसर है। एंटीट्यूड स्कोर दोस्तों इसका आता है लगभग 7,10,000 के आसपास का। एक ही वेरियंट है 12GB 256GB का LPDDR5 रैम UFS 3.1 के साथ में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं OnePlus 9R की, यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 870। ये दोस्तों एक बहुत ही कमाल प्रोसेसर है, जहां पर आप 3.2 GHz तक क्लॉक स्पीड, टॉप स्पीड यहां पर आप ले पाएंगे। यहां पर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं 8/128 और 12/256 GB का LPDDR5 रैम UFS 3.1 के साथ में। एंटीट्यूड स्कोर 6,60,000 के आसपास का।
अब यहाँ पर दोस्तों सवाल आता है कि ठीक है दोनों की हमने बात कर ली, लेकिन एक्चुअल के अंदर रियल लाइफ में हमें परफॉर्मेंस कौन सा स्मार्टफोन दे पाएगा। देखिए दोस्तों, OnePlus 9R के अंदर मैंने जितनी गेमिंग की है ना, आपको किसी भी तरह की कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलती है। रेनो की मेरी टेस्टिंग चालू है, जहां तक मैंने गेमिंग की है कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 1200 और 870 दोस्तों लगभग बिल्कुल टक्कर के हैं, आपको दोनों के अंदर ही परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। चाहे आप एक नॉर्मल यूजर हैं, चाहे आप एक हैवी ड्राइवर है दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन आपके लिए ना इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस यहां पे देने वाले हैं। नो डाउट आपको किसी भी फोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्रोसेसर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बोथ आर सेम। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में। तो दोनों में आपको क्वाड कैमरा सेटअप है रेनो के अंदर, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 और प्लस 2, और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं OnePlus 9R की, 48 मेगापिक्सल्स का सोनी IMX586, 16 का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो, 2 का मोनो और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का। यहां पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें दोनों में से कौन सा देखना चाहिए, क्योंकि एक हमें दे रहा है 64, एक 48 विद IMX586। देखिए दोस्तों, यहां पर एक क्लियर कट बात है कि अगर आप एक अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, अच्छी वीडियोग्राफी करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों OnePlus 9R यहां पर एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको शार्पनेस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, डिटेलिंग काफी अच्छी मिलने वाली है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है दोस्तों यहां पर रेनो का भी, कि यहां पर आपको ना मतलब कैमरा फीचर्स अंदर, कैमरा ऐप के अंदर बहुत ही कमाल फीचर्स मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि AI मोड, बोके इफेक्ट में दोस्तों बहुत ही कमाल है, जहां पर मेरी एक वीडियो अभी तैयार हो रही है, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट बोके इफेक्ट दिखाया इसी स्मार्टफोन का, बहुत ही कमाल लगता है दोस्तों। तो ऐसे में ना देखिए, आप पर डिपेंड करेगा। मैं अगर मेरी बात करें तो मुझे तो दोस्तों ये रेनो वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। बैकग्राउंड ब्लर करने का मुझे ऑप्शन मिलता है वीडियो के अंदर, जो कि आपको OnePlus में मिलेगा, लेकिन इसका जो बुके इफेक्ट है दोस्तों उससे टक्कर नहीं दे पाएगा। तो अगर आप एक, मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ कि अगर आप ना जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस यूज करते हैं कैमरा के, आपको बुके चाहिए, AI चाहिए, आप काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स वगैरह यूज करते रहते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो फिर आपके लिए रेनो अच्छा रहेगा। अगर आप जैसे कि मैं मेरी बात करूं, तो मुझे क्या होता है कि कभी मूड हो गया तो कभी फ्रेंड्स के साथ गए तो रेनो यूज कर लिया, अदरवाइज जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूं इंडोर के अंदर, तो मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए जो कि एक शार्प हो, उसके हिसाब से OnePlus 9R यहां पे बेस्ट रहेगा। तो यहां पर दोस्तों आपकी चॉइस है कि आपका यूज कैसा है, उसके अनुसार आप स्मार्टफोन यहां पे चूज कर सकते हैं। रेनो 6 प्रो के मैंने सैंपल्स आपको अनबॉक्सिंग में दिखाए थे, वहां जाके आप देखिए दोस्तों, काफी मजेदार है। और इसकी जो वीडियो है दोस्तों पूरी कंप्लीट कैमरा की, वो अभी रेडी हो रही है, आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, वीडियो आते ही आपके साथ में पहुंच जाएगी। बैटरी दोस्तों दोनों की सेम है, 4500 mAh की बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग, जो कि लगभग 30-35 मिनट में आपके फोन को पूरा चार्ज कर देगी। यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर दोस्तों सवाल आता है प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि रेनो का एक ही वेरिएंट है 12256 GB, आपको मिलता है 40,000 रुपए के अंदर, और OnePlus का 9R आपको 12256 GB मिलता है 44,000 रुपए के अंदर। मैं सेम वेरिएंट की बात कर रहा हूं, दूसरा वेरिएंट इसका OnePlus का 40,000 में मिलता है आपको 8128 का, यानी कि 4,000 रुपए का फर्क है दोस्तों सेम वेरिएंट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, दोनों स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट और फीचर्स को देखते हुए। बिल्ड क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है, लेकिन मुझे रेनो 6 प्रो की दोस्तों ज्यादा पसंद आती है। डिस्प्ले दोनों की नॉर्मल यूजेस में सही है, लेकिन अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए OnePlus 9R की डिस्प्ले काफी बेटर रहेगी। प्रोसेसर की, परफॉर्मेंस की दोस्तों दोनों सेम है, आपको दोनों में ही दिक्कत नहीं आएगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा दिमाग में सेट बैठता है। कैमरा दोस्तों यहां पर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि दो यूजर्स के लिए अलग अलग तरह के स्मार्टफोन यहां पर बनाए गए हैं, आप किस टाइप के यूजर हैं आप उसके अनुसार यहां पे ले सकते हैं। बैटरी दोनों की सेम है, प्राइस सेगमेंट में दोस्तों रेनो 4000 रुपए सस्ता है सेम वेरिएंट के अंदर। हाँ, OnePlus 9R भी आपको छोटा वाला वेरिएंट 40,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो अगर मुझे आज की डेट में स्मार्टफोन लेना होगा तो दोस्तों देखिए, मैं रेनो 6 प्रो की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि पहली बात मुझे डिजाइन अच्छी लगती है, डिस्प्ले के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि मैं एक हैवी गेमर नहीं हूं, ठीक है। कैमरा क्वालिटी वगैरह दोस्तों मुझे काफी पसंद आती है क्योंकि मैं इन्हें एक्सप्लोर करता रहता हूं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे तो ना रेनो 6 प्रो थोड़ा सा यहां पर बेटर लगता है, बाकी OnePlus 9R भी यहां पर एक बेस्ट चॉइस हो सकता है दोस्तों, अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग स्मार्टफोन। कंप्लीट डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, उसके अनुसार आप डिफरेंशिएट करके अपना स्मार्टफोन चुन सकते हैं। और मेरी नजरों में दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन गलत नहीं है, अपने अपने यूजेस अपने अपने तरीके पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने पूरी कोशिश की है आपके कंफ्यूजन दूर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। गिव अवेज लाइव है दोस्तों हमारे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, पार्टिसिपेट कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।
कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।